ये जो ऑयल है मैंने आपको बताया 1110 रुपये का, ये यूज़लेस होता है। पहले आपको उसमें 1360 रुपये का ये प्रोडक्ट लेके, जिसको बोलते हैं ये लोग हेयर नरिशर, ये उसमें मिक्स करना होता है ऑयल में। ओके नेक्स्ट, ये तो एना डी एच टी शायद, हाँ DHT, इसकी कॉस्ट देखिए आप 21,060 रुपये, 21 सॉरी 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 2160 रुपये। ओके नेक्स्ट, ये जो था NA02, इसकी कॉस्ट है 3,750 रुपये। तो ऐसे आपको ये इतने चीज़ें मिलेंगी जब आप जाएंगे हेयर लॉस के लिए। और ये टोटल पैकेज सिर्फ 3 महीने का आपको 10,000 रुपये का पड़ेगा। और ये अभी यूज़ नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमने परचेज़ किया है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि जो भी जाना चाहते हैं तो उनको कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यूज़ करने के बाद भी मैं एक रिव्यू बनाऊँगी कि ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। पर ये इतने प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, और ये 10,000 का आपको पैकेज पड़ता है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो वहाँ पे बताते हैं कि आपको क्या चीज़ें खानी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक लिस्ट देते हैं वो, जिसमें आपको एडवाइस किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी है, डूज एंड डू नॉट, सारी चीज़ें। तो डू नॉट आप देख लीजिए, ये वीडियो पॉज करके देख लेना। और होम केयर किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें खानी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी सारी जो एडवाइस हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। दूसरा, वो उन्होंने एक चीज़ और भी बताया था कि जो काम म्यूज़िक होता है, जो एकदम स्लोली आपने रेस्टोरेंट वगैरह में सुना होगा, स्लोली चलता होता है, तो वैसा म्यूज़िक आपको कम से कम 10 मिनट तक रोज उस टाइप का म्यूज़िक आपको सुनना होता है। जब आप रिचफील्ड जाएंगे तो एक बात याद रखिए कि वो किसी तरह की गारंटी नहीं लेते हैं कि आपके बाल आ जाएंगे। वो आपके कुछ बाल लेते हैं सर से, उसका बोलते हैं कि टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तो सैंपल के लिए अपने लैब में ले जाते हैं, तो आपके कुछ हेयर लेंगे, पर वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं। दूसरा, रिच फील में किसी भी तरीके का डिस्काउंट नहीं मिलता। ये जो आप सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, कितने कॉस्टली हैं, ये सारे रेट टू रेट मिले हैं। तो इसका मैं रिजल्ट पहले देखूंगी कि आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो जो नॉर्मल फैमिली के लोग हैं वो तो जाना अवॉइड ही करें, तो ये अच्छा है। बाकी इसका जो नेक्स्ट रिव्यू है वो मैं जल्दी आप लोग के लिए डालूंगी। थैंक यू।